वहां से नदी का शोर आ रहा बहुत तेज, एक वाटरफॉल ये रहा, एक वाटरफॉल ये रहा, ओए होए, दो दो पानी के झरने। ये है अपना उत्तराखंड। वाह पॉइंट आया, बहुत बढ़िया पॉइंट आया। यहाँ से नदी का फ्लो इतना मस्त दिख रहा है ना, पूरी नदी दिख रही है यहाँ से। तो वहाँ से नदी आ रही है, उधर को जा रही है, मस्त। हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो पे। तो अभी हम हैं मरचूला में, एक नया रूट एक्टिव हुआ है मरचूला से भिकियासेन। तो गाइस आज हम जा रहे हैं मरचूला टू भिकियासेन। पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो आज मेरे साथ बलवंत जी भी जा रहे हैं। तो देखते हैं कितना कार्य उस रोड को हुआ है और हमारी यात्रा कैसी रहती है आज की। तो चलते हैं यहाँ से मरचूला टू भिकियासेन। प्यार दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जो नई रोड है ये रहा सल्ट डिगोली खाल भिकियासेन। अभी किलोमीटर्स नहीं लिखे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है। अब देखते हैं कितना परसेंट बन गया है और ऑफ रोडिंग है कि डामर वाला है या कंक्रीट वाला है, वो सब आपको बताया जाएगा इस वीडियो पे। तो बने रहना और वीडियो को देना बहुत सारा प्यार, लाइक और कमेंट कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलो वीडियो आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अपना मरचूला से भिकियासेन वाले न्यू रास्ते में। सबसे पहले एक आ गया है ब्रिज, और यार क्या मस्त नदी दिख रही है, वाव, क्रिस्टल क्लियर वाटर भाई, क्रिस्टल क्लियर। मरचूला से भिकियासेन के लिए जो न्यू रोड है वो मरचूला से 2 किलोमीटर के बाद ही उसका रोड करता है। तो जैसे ही आपको ये साइन बोर्ड दिखे रानीखेत 90 भिकियासेन 39, तो आप समझ जाना कि आपको वो रोड मिल गई है। तो इस रोड पे चलेंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कितना टाइम लगता है। तो निकलते हैं इस रोड से, जय जय बजरंगी बली, हिम्मत देना इस रोड को पार करने के लिए क्योंकि सारी ऑफ रोडिंग है। और बाकी ये देखो यार, कटिंग देख सकते हो आप क्या कर रखे, गजब वाली। पूरी ऑफ रोडिंग है और वो देखो कितना ब्यूटीफुल नज़ारा दिख रहा है, कितना क्रिस्टल क्लियर वाटर दिख रहा है। नदी का पानी इतना क्लियर दिख रहा है ना, ओए होए मज़ा आ जाएगा। इस रोड पे नॉर्मली आ सकता, क्योंकि स्टार्टिंग में ही थोड़ा ज़्यादा ख़राब था, उसके बाद तो ये थोड़ा प्लेन टाइप का ही है। अभी हम नीचे को उतर रहे हैं इसलिए बहुत ही आराम से उतर रहे हैं, बिल्कुल केयर करते हुए, क्योंकि नीचे उतरते हुए बाइक स्लिप करती है। और ये नॉर्मल डामर तो है नहीं, ना कंक्रीट है, ये सारी बजरी है। रास्ता नीचे जा रहा है तो मैंने बाइक बंद कर ली है, क्यों बिना फालतू में पेट्रोल खर्च करा जाए जब डाउन ही जाना है। तो बिना एफर्ट्स के जब बाइक नीचे जा सकती है तो हम अपना पेट्रोल क्यों खर्च करें। तो हम जा रहे हैं उमेश पांडे जी के साथ न्यू रोड मरचूला टू भिकियासेन, जो है 39 किलोमीटर्स की ऑफ रोडिंग, क्योंकि ये बद्राण 1 किलोमीटर। तो पहला गांव आने वाला है इस रूट में बद्राण। और ये देखो क्या खूबसूरत, कोई कॉटेज वगैरह बन रहा है, क्योंकि यहाँ से भी चारधाम की यात्रा स्टार्ट होगी अगले साल से। वहाँ से नदी का शोर आ रहा बहुत ही शुर। इस रूट पे जो सेकंड गांव है वो है नागतले, जो यहाँ से है 2 किलोमीटर की। क्या खूबसूरत है यार, देखो एक वाटरफॉल ये रहा, एक वाटरफॉल ये रहा, ओए होए क्या मस्त है, मस्त मस्त। यहाँ किस बात का पानी भर गया भाई, अरे भाई
ये हुई ना वाटर क्रॉसिंग, पर ये पानी आ कहाँ से रहा? अच्छा जी, लो जी, दो दो पानी के झरने, एक दो तीन, और रोड बिल्कुल खराब। देखो क्या पानी प्रेशर में जा रहा है, वो देखो नदी। अरे भाई साहब, है ना वाटरफॉल छोटे छोटे। तो ये रूट इंटरेस्टिंग भी हो गया, ब्यूटीफुल भी हो गया इस ऑफ रोडिंग के साथ साथ, क्योंकि यहाँ पानी ही पानी दिख रहा है, झरने ही झरने दिख रहे हैं, वाटरफॉल ही वाटरफॉल दिख रहा है। और देख रहा बजरी जो लगी है ना मेरे, इंजन प्रोडक्टर पे टन पानी तो यार बहुत ज़्यादा निकल रहा, बहुत ज़्यादा। और देखो 2200 इसको कुछ है नहीं, और छोटा सा ही पहाड़ है, और ये देखो पानी, देखो ये देखो क्या पानी निकल रहा है। तो इस रूट पे ये देख रहा हूँ मैं कि पानी का स्रोत बहुत ज़्यादा है, अगर ये कुदरती स्रोत है तो फिर ये पीने के योग्य है। हमें इस रूट पे ना हमसे आगे जाता तो कोई नहीं दिखा, तो यह मडवास 1 किलोमीटर। अरे भाई क्या दिखा दिया भाई, ये यार क्या दिखा दिया यार, ये यार जन्नत है, जन्नत यहाँ। वाह यार मजा आ गया। पानी का इतना स्रोत यार, ये देखो यार, ये है लाइफ, ये है अपना उत्तराखंड। वाह यार भाई, लास्ट टाइम देखा था क्या आपने? पिछली बार था ये, जब आप पिछली बार आए थे था ये भाई? बहुत गहरा है ये, बहुत गहरा। यहीं से दिख रहा बहुत गहरा है ये रोड, देखो कितना प्यारा है। मतलब बीच में जैसा डिवाइडर होता है ना, वैसे ही घास उगी पड़ी है डिवाइडर के शेप में। घास अपना काम बखूबी निभा रही है, एज अ डिवाइडर बता रही है कि तेरी लेफ्ट तेरा राइट। अब थोड़ा सही हो गया है, मतलब कि उबड़ खाबड़ ज़्यादा रास्ता नहीं है, थोड़ा दबा दबा वाला रास्ता है ये, तो यहाँ थोड़ा खींच सकते हैं हम। नहीं तो यार उस वाले में तो थोड़ा रिस्की होता है, क्योंकि मेरे ट्यूब वाले डायर हैं बाइक के, उमेश भाई का तो कुछ नहीं है, उनका तो ट्यूब लेस है। वो तो पंचर किट भी है उनके पास,
टायर इंसुलेटर भी है। अगर मेरा पंचर हुआ तो भैया टायर इंसुलेटर तो काम ही नहीं आएगा। वैसे मैं अपने सेफ साइड दोनों ट्यूब लेके आया हूँ, जो एस्टप पुरानी वाली पड़ी थी मेरे पास, और मैं रखा हुआ हूँ क्योंकि बैग में मटवास और ये जो गाड़ी है शेयरिंग वाली होगी, बजा दुआ गांव, पांचवा छठा गांव है इस रूट का, मरचुला से भिकिया स्टैंड वाले रूट का। स्पॉट मिला है मस्त सा, सबसे बढ़िया पॉइंट है भाई साहब, ये बेस्ट पॉइंट है अभी तक का। तो यहाँ से आप देख सकते हो नदी वहाँ से ऐसे आ रही है और यहाँ से जा रही है राइट, ये पूरी खाई। एक पॉइंट आया, बहुत बढ़िया पॉइंट आया, यहाँ से नदी का फ्लो इतना मस्त दिख रहा है ना, पूरी नदी दिख रही है यहाँ से। तो वहाँ से नदी आ रही है, उधर को जा रही है, मस्त व्यू दिख रहा है। और पूरा देख लो डेंस जंगल है, ये देखो। और वहाँ से कोई 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 आवाज़ आ रही है। तो पांडे जी हमारे साथ हैं, पांडे जी कैसा लग रहा है आपको? बहुत मज़ा लगा सर, बहुत बढ़िया। मेरे को तो मज़ा आता है, असली राइडर हो आप भी और असली राइडर हम भी हैं, जो हम ऐसे ही ऑफ रोड में राइडिंग करते हैं। और मज़ा आ गया भाई, लेकिन काफ़ी रिस्की है और आप लोग रिस्क ना उठाएं।